जिला शहर कांग्रेस की पार्टी द्वारा जन जागरण अभियान कार्यक्रम के तहत चक्राघाट वार्ड में अभियान के उद्देश्य को लेकर जन जागरण पैदल यात्रा मार्च निकाला गया, जो चक्राघाट बरियाघाट पूर्व्याऊ वार्ड होते हुए वापस चक्राघाट फर्श पर संपन्न हुआ। आयोजित जन जागरण अभियान की तरह कांग्रेसियों ने क्षेत्र के लोगों से जनसंपर्क स्थापित करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन विरोधी नीतियों से रूबरू करा। देश में व्याप्त विभिन्न समस्याओं से आम जनता को राहत मिले, इसके लिए भाजपा शासित सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की, जन समर्थन जुटाने का प्रयास किया। आयोजित जन जागरण अभियान के तहत पंपलेट के माध्यम से जनता को कुछ मुद्दों पर सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी भी दी, तो वहीं नुक्कड़ सभा कर भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी बात पहुँच सके इसका भी प्रयास कर अलग जगाने की कवायद शुरू हुई। इस जन जागरण पैदल मार्च में फिर उपस्थिति के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उदासीनता चर्चाओं में रही, जहां दर्जनों विंग के अध्यक्षों में महज गिने चुने ही लोग मौजूद रहे, तो वहीं जो लोग जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर ताजपोशी का ख्वाब पाले हैं वह भी नदारद दिखे। और कुछ तो ऐसे भी कांग्रेसी नजर आए जो मुंह दिखाई कर जैसे ही जन जागरण का काफिला आगे आगे बढ़ता रहा वह पीछे पीछे रफू चक्कर होते रहे। आयोजन में सेवादल युवक कांग्रेस और कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारी ही अंत तक मोर्चा संभाले नजर आए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में जन जागरण अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से हम लोग आम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और जिस तरीके से पूरा प्रदेश और देश इस समय भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े हुए बातें हैं, उनको लेकर जो पूरा देश परेशान है, देश की जनता परेशान है, उन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको जगाने का काम कर रहे हैं। और आज हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी एक दिन की पदयात्रा भी कर रहे हैं, तो हम सब लोगों को निर्देश है कि हम लोग भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्राओं का आयोजन करें। तो ये सारा कार्यक्रम जो है आज हमने इसी तारतम्य में आयोजित किया है।